हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। अर्लियर वीडियो के अंदर हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और उसके फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट रेफर्स टू बोरिंग अमंग बैंक फॉर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट क्या होता है। सो देखिए, जो आपका इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट है ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होता है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ओके नाउ अब ये जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है इसके अंदर एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है मनी सो दैट वो लीगल प्रोविजंस को कॉम्प्लाई कर पाए। ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर बात करें हम इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर की तो उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, दैट इज हमारा सेंट्रल बैंक। ओके नाउ अब जो ये आरबीआई है इसने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं बैंक्स के लिए, दैट इज हर एक बैंक को एसएलआर सीआरआर मेंटेन करना है। ओके नाउ सपोज यहाँ पे एसएलआर 20% है और सीआरआर आपका 4% है, और कोई भी बैंक है जिसके पास एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं है, मान लीजिए उसके पास सीआरआर जो है वो गिरकर 3.5% हो जाता है, सो अगर उस बैंक को 4% के साथ कंप्लाई करना है तो वो दूसरे बैंक से मनी बोरो कर सकता है सो दैट वो इस लीगल प्रोविजन के साथ कंप्लाई कर पाए। सो ये कितने टाइम के लिए होता है? ये ओवरनाइट होता है। ओके सो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैव टू बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ। सो देखिए यहाँ से बोला गया है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इसका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। सो देखिए जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ओके सो ये भी आपका एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर होता क्या है। सो देखिए इसके अंदर एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है। प्री डिटरमाइंड अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है। ओके और ये देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू दैट इज कितने मिनिमम वैल्यू के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकता है, सो वो होती है 1 लाख रुपीज। ओके नाउ सो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन इशू कर सकता है, किसको किसको इशू किया जा सकता है और कौन कौन इसको इशू नहीं कर सकता है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको कौन कौन इशू कर सकता है। सो इसको देखिए इसको सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इशू कर सकते हैं। ओके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। नाउ अगर हम बात करें इसको कौन कौन इशू नहीं कर सकता है, तो इसको अगर कौन कौन इशू नहीं कर सकता है तो इसके अंदर आपके आरआरबीज दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं आपके ये इसको इशू नहीं कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन इशू कर सकता है, कौन कौन इशू नहीं कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। सो ये आपको घुमा फिरा के भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसको किसको किसको ये इशू किया जा सकता है। तो देखिए ये इशू किया जा सकता है इंडिविजुअल्स को एंड कंपनीज को। ओके सो यहाँ पे इंडिविजुअल एंड कंपनीज दोनों को इशू किया जा सकता है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एशर्शन एंड रीजन। आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या नहीं है, और अगर आपकी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या दूसरी स्टेटमेंट उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। सो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है बैंक हैव कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सो जो बैंक्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये करेक्ट क्यों है? बिकॉज देखिए जो बैंक्स होते हैं उनके पास लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स होता है। ओके ये इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है, कॉर्पोरेट्स का भी हो सकता है। ओके सो उनके पास कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई होती है। ओके नाउ अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें,
सो सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रही है जो बैंक है दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एनी कंट्री. ओके, सो जो बैंक्स हैं वो नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. सो देखिए जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ये आपसे बोल रहा है सप्लाई ऑफ मनी के बारे में. ओके, सप्लाई ऑफ मनी. और सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है प्रोडक्शन के बारे में. ओके, चलिए अब हम बात करें. सो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट इंटर रिलेटेड नहीं है, बिकॉज पहला स्टेटमेंट आपसे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में कह रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट आपसे प्रोडक्शन के बारे में कह रहा है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है. नाउ अब हम ये बात करते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है. सो देखिए यहाँ पे बोला गया जो बैंक हैं वो प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस फॉर्म है, उसको प्रोडक्शन के लिए अगर कैपिटल चाहिए तो वो कैपिटल कहाँ से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं. सो अगर बैंक उन्हें लेंडिंग नहीं करेगा तो उनकी प्रोडक्शन है वो भी हैम्पर होगी. ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बैंक होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है ओवर द प्रोडक्शन. ओके, सो यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है और वो पहली स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कह रहा है आर्सिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो आपसे पूछा गया जो आर्सिल है वो किसका एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्सिल के फुल फॉर्म क्या है. सो आर्सिल की फुल फॉर्म है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, सो ये किस लिए सेटअप की गई थी. सो देखिए जो आपकी आर्सिल है ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है. ओके, ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसको सेटअप क्यों किया गया था, सो दैट इट कैन एक्वायर द एनपीए ऑफ बैंक्स. ओके, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. बैंक असेट्स आर क्लासिफाइड इन टू स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स. सो ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज नरसिम्हम कमेटी. ओके, सो नरसिम्हम कमेटी सेटअप की गई थी इन द ईयर 1992 और ये किस लिए सेटअप की गई थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए. ओके, ये किस लिए सेटअप की गई थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए. नाउ अब हम बात कर लेते हैं जो बाकी तीन कमेटी आपको गिवन है दैट इज रंगाराजन कमेटी, घोष कमेटी एंड टंडन कमेटी. सो ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप की गई थी. तो देखिए अगर हम रंगाराजन कमेटी की बात करें सो इसको सेटअप किया गया था मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी के लिए. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे घोष कमेटी के बारे में. सो देखिए घोष कमेटी आपकी सेटअप की गई थी फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स. ओके, सो ये तीनों थे. नाउ अब जो टंडन कमेटी है इसके बारे में आप हमें कमेंट में करके बताइए कि ये किस लिए सेटअप की गई थी. ओके, चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. नाउ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.